हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मास इंग्लिश ग्रामर। ग्रामर सीरीज में हम आज आप सभी के लिए लेकर के आए हैं इंग्लिश लैंग्वेज का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक, जो है एडवर्ब। एडवर्ब क्या होता है, तो समझते हैं एडवर्ब के बारे में, समझते हैं इसकी डेफिनेशन को। तो एडवर्ब के बारे में डेफिनेशन यह है कि एन एडवर्ब इज अ वर्ड। एडवर्ब भी क्या है, एक वर्ड है, एक शब्द ही है, ठीक है। दैट टेल्स अबाउट एवरी पार्ट ऑफ स्पीच, जो हमें बताता है किसके बारे में, एवरी पार्ट ऑफ स्पीच एक्सेप्ट, एक्सेप्ट मीन्स होता है को छोड़कर, किसको छोड़कर, नाउन एंड प्रोनाउन एंड एंड इंटरजेक्शन। नाउन प्रोनाउन और इंटरजेक्शन को छोड़ करके जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं उन सभी के बारे में जो भी हमें बताए वो होता है एडवर्ब। सर नहीं समझ में आया, समझते हैं इसको सरल तरीके से। देखिए एडवर्ब क्या होता है, तो एडवर्ब के बारे में अगर हम पढ़ें समझे तो एडवर्ब, ठीक है। जब भी हम पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ते हैं तो हमने क्या पढ़ा है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में 8 प्रकार के पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, जिनमें नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन पढ़ा है, ठीक है। नाउन और प्रोनाउन क्या होता है, नाउन मतलब नाम, प्रोनाउन मतलब नाम की जगह पर जो यूज करेंगे, एडजेक्टिव मतलब जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताएगा, यहां तक समझ में आ गया था। वर्ब मतलब जितने भी एक्शंस है वो सारे वर्ब कहलाते हैं। एडवर्ब मतलब, अब एडवर्ब का कॉन्सेप्ट समझेंगे, तो एडवर्ब क्या होता है, तो एडवर्ब इज अ वर्ड दैट टेल्स, जो हमें बताता है अबाउट एवरी पार्ट ऑफ स्पीच। अब एवरी पार्ट ऑफ स्पीच में क्या हो गया, पार्ट ऑफ स्पीच में तो नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, एडजेक्टिव हो गया, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन, ठीक है। ये हो गए हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच। इन पार्ट्स ऑफ स्पीच में किसके बारे में बताएगा, एक्सेप्ट किसको छोड़कर, नाउन को छोड़कर, प्रोनाउन को छोड़कर और इंटरजेक्शन को छोड़ करके, ठीक है। नाउन, प्रोनाउन और इंटरजेक्शन को छोड़ करके बाकी जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच है इनकी क्वालिटी जो भी बताने के लिए आएगा वह कहलाता है एडवर्ब। सर कैसे, जैसे एग्जांपल हमने लिया, अगला क्या है हमारे पास, एडजेक्टिव है, तो समझते हैं कैसे एडजेक्टिव की बारे में क्वालिटी बताएगा। तो मैंने लिखा ही इज, वह है He is honest man, वह ईमानदार व्यक्ति है। तो man हो गया भैया noun, man की क्वालिटी बताने के लिए honest, तो honest क्या हो गया, adjective, ठीक है। अब next statement लिखते हैं, He is very honest man, He is वेरी ऑनेस्ट मैन, वह कैसा व्यक्ति है, तो वेरी ऑनेस्ट मैन है मतलब बहुत ही ईमानदार व्यक्ति है। तो ये जो मैन है, मैन की क्वालिटी को किसने बताया, ऑनेस्ट ने, तो मैन हो गया नाउन, ऑनेस्ट हो गया एडजेक्टिव, और कितना ऑनेस्ट है, तो हमने बोला कि वेरी ऑनेस्ट बहुत ईमानदार है, तो ये जो वेरी होगा इस एडजेक्टिव की क्वालिटी को बता रहा है, तो यह कहलाएगा फ्रेंड्स एडवर्ब। क्या कहलाएगा फ्रेंड्स एडवर्ब, समझ में आया कि नहीं। जो नाउन की क्वालिटी को बताएगा वो एडजेक्टिव कहलाएगा, और जो एडजेक्टिव की क्वालिटी को बताएगा वह क्या कहलाएगा, एडवर्ब कहलाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है वर्ब। वर्ब मतलब क्वालिटी, मतलब क्या, क्वालिटी का तात्पर्य यहां पर यह है कि किसी भी एक्शन के बारे में, किसी भी वर्ड के बारे में जो वर्ड हमें एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता हो, जो हमें एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता हो। जैसे कि मैंने लिखा ही रीड्स मतलब क्या हुआ, वह पढ़ता है, ठीक है। अब वह कैसा पढ़ता है, तो मैंने लिखा ही रीड्स फास्ट, ही रीड्स फास्ट, फास्ट मीन्स क्या हो गया, तेजी से पढ़ता है, ठीक है।
ही रीड्स वेल, अच्छे से पढ़ता है। तो ये रीड क्या हो गई, वर्ब हो गई, काम हो गया। और इस काम करने का जो तरीका था, ये जो काम करने का जो तरीका था, यह कहलाया एडवर्ब। क्या कहलाया? एडवर्ब। समझ में आया कि नहीं? तो वो एडवर्ब एक ऐसा शब्द है जो किसके बारे में बताएगा? एडवर्ब एक ऐसा शब्द है जो किसी एडजेक्टिव की क्वालिटी को बताएगा, एडजेक्टिव को क्वालिटी को बताएगा, वर्ब की क्वालिटी को बताएगा। स्वयं एडवर्ब की क्वालिटी को भी एडवर्ब बताता है, प्रेपोजिशन की क्वालिटी को बताता है, कंजक्शन की क्वालिटी को बताता है। और वह शब्द क्या कहलाता है फ्रेंड्स? तो ऐसा शब्द एडवर्ब कहलाता है। क्या कहलाता है? एडवर्ब, जो नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव की क्वालिटी को बताता है वह क्या कहलाता है? नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी को बताता है वो एडजेक्टिव कहलाता है। और वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन और कंजक्शन की जो क्वालिटी को बताएगा वह एडवर्ब ही कहलाएगा। ठीक है, समझते हैं? जैसे द बॉय परफॉर्म्ड, बॉय ने परफॉर्म किया क्या? सरप्राइजिंगली वेल। ठीक है, द बॉय परफॉर्म्ड सरप्राइजिंगली वेल। तो ये वेल क्या हो गया? एडवर्ब है। और सरप्राइजिंगली क्या है? इस एडवर्ब की डिग्री है, इस एडवर्ब की डिग्री है। ठीक है, द क्वेश्चन वाज टू डिफिकल्ट। तो क्वेश्चन कैसा था? डिफिकल्ट था। तो डिफिकल्ट क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। क्यों एडजेक्टिव हुआ? क्योंकि यह क्वेश्चन के बारे में बता रहा है कि क्वेश्चन कैसा था भैया। तो क्वेश्चन था डिफिकल्ट। तो क्वेश्चन हो गया क्या? नाउन। और इसकी क्वालिटी क्या थी? कैसा क्वेश्चन था? तो यह क्वेश्चन था डिफिकल्ट। तो डिफिकल्ट हमारे लिए क्या हो गया? एडजेक्टिव। और भैया कितना डिफिकल्ट था? तो हमने बोला कि टू डिफिकल्ट था या फिर रेदर डिफिकल्ट था। तो यह डिफिकल्ट हमारे सामने क्या है? एडजेक्टिव है। और इस एडजेक्टिव की क्वालिटी को जो बताएगा, एडजेक्टिव को क्वालिफाई जो करेगा, वो क्या कहलाता है? एडवर्ब कहलाता है। तो यहां पर क्या कहलाया? एडवर्ब कहलाया। अब बात करते हैं कि एडवर्ब आखिरकार होता कितने प्रकार का है, एडवर्ब आखिरकार कितने प्रकार का होता है। तो देखिए, एडवर्ब बताता है क्या? मैनर को बताने वाला एडवर्ब होता है। मैनर मतलब आप जानते हैं तरीका, किसी भी काम को करने का जो तरीका जो बताएगा, ठीक है, वह भी एडवर्ब कहलाता है। किसी एक्शन, कोई एक्शन हो रही है और उस एक्शन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देने वाला तो एडवर्ब कहलाता है, ये बात आप जानते हैं। अब वह एक्शन का अगर कोई तरीका बता रहा है कि भाई वो लिखने का उसका तरीका क्या है, बोलने का तरीका क्या है, तो जो शब्द तरीका बताएगा वह तरीका बताने वाला, मैनर बताने वाला भी क्या कहलाता है? एडवर्ब कहलाता है। कोई एक्शन का प्लेस बताता है, जैसे आई टीच हियर, मैं यहां पढ़ाता हूं, ठीक है, ही गोज देयर, वो वहां जाता है। तो ये यहां और वहां हमारे एक्शन का प्लेस है, और ये प्लेस भी क्या कहलाएगा सेंटेंस में? एडवर्ब कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एडवर्ब। क्यों? क्योंकि जो किसी एक्शन का प्लेस बताएगा, जगह बताएगा, वह भी क्या कहलाएगा? एडवर्ब कहलाएगा। ठीक है, एडवर्ब ऑफ टाइम, हमारी एक्शन का जो टाइम होता है, किसी कार्य को करने का जो समय दिया हुआ रहता है, वह समय का भी अगर हम पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें तो वह समय भी क्या होता है? एडवर्ब कहता है, कहलाता है। नेक्स्ट है, कार्य करने की जो फ्रीक्वेंसी होती है, जो बारंबारता है, जैसे हम बोलते हैं ना कि वह अक्सर आता जाता है, वह कभी मेरे से बात नहीं करता, तो अक्सर और कभी ये क्या है? फ्रीक्वेंसी बता रहे हैं। तो फ्रीक्वेंसी बताने वाले वर्ड भी क्या कहलाते हैं? एडवर्ब। ठीक है, डिग्री, डिग्री बताने वाले वर्ड भी एडवर्ब कहलाते हैं। अच्छा, बहुत अच्छा, से अच्छा, वो अच्छे से लिखता है, वो बहुत अच्छे से लिखता है। ठीक है, तो वो कार्य करने की जो डिग्री बताता है, डिग्री भी क्या होता है? एडवर्ब कहलाता है। नेक्स्ट है, एडवर्ब ऑफ नेगेशन, नेगेशन का अर्थ क्या होता है? तो देखिए, नेगेशन मतलब ऐसे वर्ड्स जिनमें कहीं ना कहीं मनाही हो, मनाही हो मतलब नहीं का इंडिकेशन हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? एडवर्ब ऑफ नेगेशन कहते हैं। जैसे वो कभी नहीं आता है, तो ही नेवर कम। तो ये जो नेवर है ना, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? नेगेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? नेगेशन को। तो जो एडवर्ब नेगेशन भी एडवर्ब के अंतर्गत आता है। एडवर्ब ऑफ कॉज, किसी कार्य के, किसी एक्शन के जो कारण को बताने के लिए वर्ड यूज करेंगे वो क्या कहलाएगा? वो एडवर्ब ऑफ कॉज कहलाएगा। रिलेटिव एडवर्ब, किन्हीं दो सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए,
किन्हीं दो सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए, ठीक है, हम किसी एक्स्ट्रा वर्ड का यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो इस तरीके का क्या, कौन सा एडवर्ब कहलाएगा, रिलेटिव एडवर्ब कहलाएगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट है इंटरोगेटिव एडवर्ब, मतलब एक्शन के बारे में पता करने के लिए क्या क्वेश्चन अलग अलग तरीके से क्या क्यों कब कहाँ इस तरीके के जो एक्शन वर्ड्स पूछे जाएंगे वह क्या कहलाएंगे, वह इंटरोगेटिव एडवर्ब कहलाएगा। और नेक्स्ट है एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन, जिस तरीके से इस स्टेटमेंट में मनाही के बारे में बात कर रहे थे, नेगेटिविटी के बारे में बात कर रहे थे, नहीं के बारे में बात कर रहे थे, इसी प्रकार से ये एडवर्ब अफर्मेशन में उसका अपोजिट होता है हाँ के बारे में कहा जाता है। तो इस तरीके से हम बात कर रहे हैं एडवर्ब के, और एडवर्ब क्या होता है, तो एडवर्ब ऐसे वर्ड होते हैं जो किसकी क्वालिटी बताते हैं, किसके बारे में बताते हैं, तो एडवर्ब भी एक वर्ड है जो हमें बताता है किसी वर्ब के बारे में, किसी एडजेक्टिव के बारे में, किसी कंजक्शन के बारे में, किसी प्रीपोजिशन के बारे में, या फिर स्वयं एडवर्ब के बारे में भी जो हमें विशेषता बताएगा वह कहलाएगा एडवर्ब। बात समझ में आई कि नहीं? जो नाउन और प्रोनाउन के बारे में कहलाएगा वो एडजेक्टिव कहलाएगा, जो नाउन और प्रोनाउन के बारे में विशेषता बताएगा वह क्या कहलाएगा, एडजेक्टिव कहलाएगा। और बचे हुए पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में जो भी हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है वह कहलाएगा एडवर्ब। नेक्स्ट समझते हैं, अब हम एक एक स्टेटमेंट को लेते हैं, एक एक प्रकार को लेते हैं कि आखिरकार एडवर्ब को मैं इतने जो प्रकार बताए हैं किस तरीके के स्टेटमेंट आते हैं और किस तरीके से मतलब जो है कि इसको पूछा जाता है, ठीक है, क्या समझने लायक बात होती है। तो देखिए एडवर्ब ऑफ मैनर, मैनर मतलब जो काम करने का हमको तरीका बताएगा, जो किसी एक्शन का जो तरीका बताता है वह भी क्या कहलाता है, एडवर्ब कहलाता है। देखते हैं द एडवर्ब दैट डिनोट्स द मैनर, एक ऐसा एडवर्ब जो मैनर को बताता है, हाउ एन एक्शन इज परफॉर्म्ड, कि जो कार्य हुआ तो है लेकिन वह कार्य कैसे हुआ है, इज कॉल्ड एन एडवर्ब ऑफ मैनर, उसे हम क्या कहते हैं, एडवर्ब कहते हैं। और कौन सा एडवर्ब होता है, वो एडवर्ब ऑफ मैनर होता है, ठीक है। जैसे द बॉय वॉज डूइंग द वर्क, भाई व्यक्ति एक बच्चा था, एक लड़का था, वो काम कर रहा था, ठीक है, अब वो काम कर रहा था, ये एक सामान्य स्टेटमेंट हो गया। इस काम करने के किसको बारे में बताएगा, जो तरीके को बताता है वो क्या कहलाता है, एडवर्ब कहलाता है। तो भाई द बॉय वॉज डूइंग द वर्क, बॉय भाई काम कर रहा था, कैसे कर रहा था, केयरलेसली कर रहा था, ठीक है, केयरफुली कर रहा था, ठीक है, सिंसियरली कर रहा था या ऑनेस्टली कर रहा था। तो ये चार शब्द जो हमने यूज किए हैं, ये चार शब्द क्या बता रहे हैं, उस काम के तरीके को बता रहे हैं, उस काम के तरीके को बता रहे हैं, उस एक्शन के तरीके को बता रहे हैं। तो जो किसी काम या एक्शन के जो तरीके को बताता है वह क्या कहलाता है, तो वह कहलाता है एडवर्ब, क्या कहलाता है, एडवर्ब। और एडवर्ब में भी कौन सा एडवर्ब, तो एडवर्ब ऑफ मैनर, जो काम करने के तरीके को बताता है वह एडवर्ब कहलाता है। और कौन सा एडवर्ब कहलाता है, एडवर्ब ऑफ मैनर कहलाता है। जैसे वह बॉय वॉज डूइंग वर्क, व्यक्ति कार्य कर रहा था, कैसे कर रहा था, केयरलेसली कर रहा था, ठीक है, केयरफुली कर रहा था, सिंसियरली कर रहा था या ऑनेस्टली कर रहा था। केयरलेसली मतलब लापरवाही के से कर रहा था, केयरफुली मतलब ध्यानपूर्वक कर रहा था, सिंसियरली मतलब गंभीर होकर के कर रहा था, ऑनेस्टली मतलब ईमानदारी से कर रहा था। नेक्स्ट है द बॉय रेन, बच्चा दौड़ा, कैसे दौड़ा, फास्ट दौड़ा, वेल दौड़ा, क्विकली दौड़ा या स्लोली दौड़ा। फास्ट मतलब हो गया तेज, वेल मतलब अच्छे से, क्विकली मतलब तुरंत, और स्लोली मतलब धीरे धीरे, ठीक है। तो यह उसके दौड़ने एक वर्ब है रन, ठीक है, और इसके तरीके को बता रहा है, ठीक है। तो इसके जो तरीके को बताएगा, काम करने के जो तरीके को बताएगा, एक्शन के जो तरीके को बताएगा वह क्या कहलाता है, तो वह कहलाता है एडवर्ब। और कौन सा एडवर्ब कहलाता है, एडवर्ब ऑफ मैनर कहलाता है। नेक्स्ट स्टेटमेंट समझते हैं, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ प्लेस क्या होता है, तो एडवर्ब ऑफ प्लेस होता है कि किसी एक्शन, कोई एक्शन हो रहा है, कोई कार्य हो रहा है, उस काम की जगह को जो बताएगा, एक ऐसा शब्द जो किसी एक्शन के, किसी सेंटेंस के प्लेस के बारे में बता रहा है, जगह के बारे में बता रहा है, वह भी क्या कहलाता है, वह भी एडवर्ब कहलाता है। और वह कौन सा एडवर्ब होता है, द एडवर्ब ऑफ प्लेस होता है। जैसे द एडवर्ब दैट डिनोट्स अ प्लेस, एक ऐसा एडवर्ब जो किसको बताता हो, प्लेस का बताता हो, प्लेस के बारे में क्या, कि वेयर एन एक्शन इज परफॉर्म्ड, कि भाई जो एक्शन हो रही है वो कहां पर हो रही है, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है,
प्लेस कहलाता है एडवर्ब ऑफ प्लेस। अब एक और स्टेटमेंट यहां पर लागे दिया हुआ है क्या कि मोस्टली कम्स इन फ्रेज फॉर्म, कि ज्यादातर वो कैसे आएगा, फ्रेज फॉर्म आता है। सर ये फ्रेज फॉर्म क्या होता है? देखिए फ्रेंड्स, अगर एक सिंपल वर्ड है, मैंने बोला कि फील्ड, फील्ड क्या हो गया, फील्ड हो गया खेत, ठीक है। तो अब ये फील्ड एक शब्द है, तो एक शब्द जो होता है ना वो कहलाता है, वो कहलाता है आपका वर्ड। एक शब्द जो होता है वो क्या कहलाता है, वर्ड कहलाता है। कभी कभी क्या होता है सेंटेंस में कि एक से अधिक वर्ड, अब हमने क्या पढ़ा है, सेंटेंस की जो डेफिनेशन पढ़ी थी उसमें हमने यह पढ़ा था कि एक से अधिक वर्ड्स का एक ऐसा ग्रुप, अ ग्रुप ऑफ मोर देन वन वर्ड्स दैट हैज मीनिंग और हैज अ सेंस। वर्ड्स का एक ऐसा ग्रुप जिसका अपना अर्थ होता है, जिसका अपना मीनिंग होता है, वह क्या कहलाता है, तो वह कहलाता है सेंटेंस। क्या कहलाता है, सेंटेंस। तो क्या वर्ड से बड़ा केवल सेंटेंस होता है या इसके बीच में भी कुछ आता है? तो फ्रेंड्स कभी कभी क्या होता है, जैसे मैंने बोला फील्ड, अब मैंने लिखा कि इन फील्ड, अब ये इन फील्ड का मतलब होता है, या इन द फील्ड मैंने लिखा है तो इसका अर्थ होता है खेत में। इन द फील्ड का अर्थ क्या हो गया, खेत में। तो ये जो खेत में लिखा हुआ है इन द फील्ड, यह एक वर्ड्स का एक छोटा सा ग्रुप है और जिसका अपना अर्थ होता है। तो वर्ड्स का एक ऐसा छोटा सा ग्रुप जिसका अपना अर्थ हो क्या कहलाता है, तो वह कहलाता है फ्रेज। वर्ड्स का एक ऐसा ग्रुप जिसका अपना मीनिंग हो, जिसका अपना अर्थ हो, क्या कहलाता है, फ्रेज कहलाता है। अब वर्ड आया क्या, एडवर्ब फ्रेज। तो एडवर्बल फ्रेज क्या होगा कि यह सेंटेंस जो है ना, यह फ्रेज है ना, यह सेंटेंस का टुकड़ा जो है ना, यह क्या काम कर रहा है, यह वर्ड्स का ग्रुप काम किसका कर रहा है, एडवर्ब का कर रहा है, इसलिए हमको क्या कहेंगे, इसको एडवर्बल फ्रेज कहेंगे। एडवर्ब का काम कैसे कर रहा है, क्योंकि यह बता रहा है हमें किसी प्लेस के बारे में, हमारी एक्शन की जगह के बारे में, क्या कि द बॉय आर प्लेइंग, बच्चे, सॉरी, द बॉयज आर प्लेइंग, बच्चे खेल रहे हैं कहाँ पर, इन द फील्ड, फील्ड में खेल रहे, इन द फील्ड, फील्ड पर अपने खेल रहे हैं। तो यह क्या होगा, इस प्लेइंग एक्शन का क्या है, प्लेस है। तो जो एक्शन का प्लेस बताता है वह कहलाता है एडवर्ब। अब एक शब्द अगर होता है तो एडवर्ब कह लेते हैं, लेकिन यहाँ पर एक शब्दों का ग्रुप दिया हुआ है इसलिए इसको हम कहेंगे एडवर्बियल फ्रेज कहेंगे। क्या कहेंगे, एडवर्बियल फ्रेज। नेक्स्ट है द बेबी, बच्चा, ठीक है, स्लेप्ट, सोया हुआ है कहाँ पर, इन इट्स मदर्स लैप, अपनी माँ की गोद में सोया हुआ है, ठीक है। तो स्लीप क्या हो गई, एक वर्ब हो गई, ठीक है, एक्शन हो गई, और इस एक्शन का क्या बता रहा है, प्लेस बता रहा है। अल्दो यहाँ पर कोई एक वर्ड अगर दिया हुआ होता तो वह एडवर्ब कहलाता, लेकिन हमारे पास यहाँ एक वर्ड ना देते हुए क्या दिया है, एक वर्ड्स का ग्रुप दिया हुआ है, इसलिए हम इसको कहेंगे एडवर्बियल फ्रेज कहेंगे। क्या कहेंगे, एडवर्बियल फ्रेज। अब कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछ लिया जाता है, पता है आपको, एक ऐसा स्टेटमेंट दे दिया जाएगा और कहा जाएगा कि भैया बताइए कि इसमें से एडवर्बियल फ्रेज कौन सा है। एक में दे देंगे आपको द बॉय, एक में दे देंगे आर प्लेइंग, एक में दे देंगे इन द फील्ड और नोयर। क्या समझना है, एडवर्ब कौन होता है, तो जो प्लेस के बारे में बताएगा, जो मैनर के बारे में बताएगा, जो तरीके के बारे में बताएगा, जो काम करने के क्वालिटी के बारे में बताएगा, ठीक है, रीजन के बारे में बताएगा, वो क्या कहलाता है, वो एडवर्ब कहलाता है। तो यहां पर फ्रेज की बात हो रही है, एक से अधिक वर्ड्स के बारे में बात हो रही। नेक्स्ट है एडवर्ब ऑफ टाइम, जो किसी एक्शन के टाइम को बताए, समय को बताएगा। एडवर्ब दैट डिनोट्स द टाइम व्हेन एन एक्शन इज परफॉर्म्ड, की कोई भी काम हुआ है कब हुआ है, ठीक है, कब हुआ है, इज कॉल्ड एडवर्ब ऑफ टाइम, और उसे हम क्या कहेंगे, एडवर्ब ऑफ टाइम कहेंगे। जैसे माई फ्रेंड विल गो टू दिल्ली, मेरे फ्रेंड जो है दिल्ली जाएंगे, कब, नेक्स्ट मंथ, टुमारो, नेक्स्ट वीक। कब जाएंगे भैया, या तो नेक्स्ट मंथ जाएंगे या फिर टुमारो नेक्स्ट वीक, या फिर टुमारो जाएंगे या फिर नेक्स्ट वीक जाएंगे, ठीक है। क्या बताया कि भाई कोई एक्शन होगी या कब होगी, या तो नेक्स्ट मंथ होगी या टुमारो होगी या फिर नेक्स्ट वीक होगी। तो ये जो तीन वर्ड है ना, नेक्स्ट मंथ, टुमारो और नेक्स्ट वीक, ये सारे क्या कहलाएंगे, ये कहलाएंगे एडवर्ब। क्या कहलाएंगे, एडवर्ब। अब सुनेंगे, सर क्या यह एडवर्ब होगा या एडवर्बियल फ्रेज होगा, तो समझेंगे। यह जो नेक्स्ट मंथ वर्ड दिया हुआ है, नेक्स्ट मंथ जो वर्ड दिया हुआ है, यह केवल एक वर्ड नहीं है, यह केवल एक वर्ड नहीं है, वर्ड्स का ग्रुप है। ग्रुप होने के कारण यह एक क्या हो गया,
फ्रेज हो गया, क्या हो गया फ्रेज। टुमारो केवल एक ही वर्ड है इसलिए यह केवल एडवर्ब होगा। और नेक्स्ट वीक क्या होगा, यह भी एक फ्रेज होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसमें एक से अधिक वर्ड है, क्योंकि इसमें एक से अधिक वर्ड है, जिसमें एक वर्ड होगा वह एडवर्ब होगा और एक से अधिक वर्ब होगा वह एडवर्बियल फ्रेज होगा। फ्रेज क्या, वर्ड्स का ग्रुप। एडवर्ब क्या, जो हमें किसी एक्शन के टाइम के बारे में बताएगा, ठीक है। तो एडवर्बियल फ्रेज जो होगा, नेक्स्ट है ही वेंट, वह गया, ठीक है, देर वहां गया, कब गया भैया, यस्टरडे गया, लास्ट वीक गया या फिर लास्ट ईयर गया, ठीक है। तो यहां पर यस्टरडे भी क्या होगा, एक एडवर्ब है, ठीक है। लास्ट वीक भी क्या होगा, यह फ्रेज है, यह फ्रेज भी कौन सा है, एडवर्बियल फ्रेज है। लास्ट टाइम यह भी एक फ्रेज है, कौन सा, एडवर्बियल फ्रेज ही है, क्योंकि एडवर्ब क्या होती है, जो किसी एक्शन के टाइम को बताएगा। तो जो किसी एक्शन के टाइम को बताएगा वो क्या कहलाएगा, एडवर्ब कहलाएगा। जो किसी एक्शन के मेनर तरीके को बताएगा वो क्या कहलाएगा, एडवर्ब बताएगा। जो किसी एक्शन के प्लेस को बताएगा वो क्या कहलाएगा, एडवर्ब कहलाएगा। जैसे आई वेंट देयर, वो वहां गया, ठीक है। तो ये वहां जो है ना, यह भी एक एक्शन का क्या है, प्लेस है। तो यह एडवर्ब भी क्या है, यह देयर भी क्या है, एडवर्ब है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, नेक्स्ट समझते हैं। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का अर्थ होता है बारंबारता, कि भाई जो एक्शन हुई है तो एक्शन की बारंबारता क्या है, कितनी बार हुई है, ठीक है। तो द एडवर्ब दैट डिनोट्स रिपीटेशन, जो रिपीटेशन को बताएगा, ठीक है, ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ एनी एक्शन, किसी कार्य के, इज कॉल्ड एन एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो उसे हम क्या कहेंगे, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कहेंगे। जैसे द बॉयज, लड़के जो है ना, क्या, ऑलवेज हमेशा, नेवर मीन्स कभी नहीं, ऑफन मीन्स अक्सर, हार्डली मतलब बड़ी मुश्किल से, रेयरली मतलब कदाचित, सॉरी कभी कभी, सेल्डम मतलब कदाचित, हेल्प ये एक्शन हो गई। तो ये जो बॉयज हेल्पर्स, लड़के हमारी मदद करते हैं, ये कब है, कब हमारी मदद करते हैं, तो उसका रिपीटेशन क्या है, कि हमेशा हमारी मदद करते हैं, ठीक है, कभी नहीं हमारी मदद करते, अक्सर हमारी मदद करते हैं, बड़ी मुश्किल से, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, हमारे एक्शन की फ्रीक्वेंसी को बताया जा रहा है। तो जो एक्शन की फ्रीक्वेंसी को बताएगा वह भी एडवर्ब कहलाएगा, और कौन सा एडवर्ब कहलाएगा, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कहलाएगा। नेक्स्ट है एडवर्ब ऑफ डिग्री, एडवर्ब ऑफ डिग्री मतलब कि भैया जो एक्शन हुई है, ठीक है, कि भाई कोई है, जैसे हमने बोल दिया कि भैया कोई चीज क्या है, ब्यूटीफुल है, ठीक है। तो अब हम कभी कभी बोलते हैं कि वेरी ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल ऑलरेडी क्या है, एक एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव की जो विशेषता बताता है, एडजेक्टिव की जो विशेषता बताता है वह क्या कहलाता है, वह कहलाता है एडवर्ब। एडजेक्टिव, एडजेक्टिव क्या होता है, तो जो नाउन या प्रोनाउन की, किसी का नाम लेकर के अगर हम विशेषता बता रहे हैं, तो नाम की जो विशेषता होगी वह एडजेक्टिव कहलाएगा, और जो एडजेक्टिव की विशेषता होगी उसे हम कहते हैं एडवर्ब। तो ब्यूटीफुल कितना ब्यूटीफुल है, फेयरली ब्यूटीफुल है, एक्सेप्शनली ब्यूटीफुल है, एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल है, या वेरी ब्यूटीफुल है। तो यह एडजेक्टिव की क्या बता रहे हैं, डिग्री बता रहे हैं, ठीक है। तो एडजेक्टिव की जो डिग्री बताने वाले वर्ड होते हैं, या उनकी डिग्री मतलब एडवर्ब में, तो इस तरीके से वो वर्ड क्या कहलाते हैं, एडवर्ब ऑफ डिग्री कहलाते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन। अफर्मेशन किस चीज का, अफर्मेशन मतलब कि जो स्टेटमेंट कहा जा रहा है उस स्टेटमेंट में यस का होना, या श्योरली होना, सर्टेनली होना, ठीक है। कि जो एडवर्ब, हम एक स्टेटमेंट तो दे रहे हैं, स्टेटमेंट के साथ कुछ ना कुछ ऐसा वर्ड हम यूज कर रहे हैं जो हम बता रहे, जो बताएगा कि डेफिनेटली एक्शन होगी, तो उस तरीके के वर्ड्स को हम क्या कह लेते हैं, उसको हम कहते हैं अफर्मेशन। जैसे श्योरली ही विल डू इट, वह इसे करेगा, ये बात ठीक है, ठीक है, लेकिन वह क्या करेगा, सर्टेनली करेगा, श्योरली कर लेगा, यस ये वह करेगा। तो ये जो हम बता रहे हैं, इस एक्शन का अफर्मेशन दे रहे हैं कि हाँ, दैट एक्शन विल बी डन, और दैट एक्शन विल बी परफॉर्म्ड। नेक्स्ट स्टेटमेंट है एडवर्ब ऑफ नेगेशन, नेगेशन अफर्मेशन मतलब हाँ वाली बात हो रही है, और नेगेशन मतलब नहीं वाले। तो आप स्टेटमेंट में देखते हैं ना, ये जो नॉट देखते हैं ना, ये एडवर्ब ऑफ नेगेशन है। और कौन सा होता है, तो भैया नेवर, नेवर भी एडवर्ब ऑफ नेगेशन भी, नेवर को दो में रखा जाता है, एडवर्ब ऑफ नेगेशन में भी रखा जा सकता है, और एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी में भी रखा जाता है, ठीक है।
द बॉय हैज नॉट चीटेड मी, लड़के ने मुझे चीट नहीं किया, तो ये नॉट वर्ड नेगेशन मना ही कर रहा है, ठीक है. नो ही विल नॉट चीट यू, नहीं वो आपको नहीं चीट करेगा. तो ये नो और नॉट जो है ये भी क्या है, एडवर्ब है. ये भी क्या है, एडवर्ब है. क्यों एडवर्ब है, क्योंकि ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट है, पर्टिकुलर एक्शन के बारे में मनाई बता रहे हैं, नहीं बता रहे हैं, ठीक है. नेक्स्ट है इंटरोगेटिव. इंटरोगेटिव क्या होता है, इंटरोगेटिव मतलब प्रश्न. अब प्रश्न पूछने के लिए हम वर्ड का यूज कर रहे हैं, प्रश्न पूछने के लिए किसी शब्द का यूज कर रहे हैं, तो वह क्या कहलाता है, तो वह कभी कभी क्या होता है कि प्रोनाउन कहलाता है, कभी कभी एडजेक्टिव कहलाता है, और कभी कभी क्या कहलाता है, एडवर्ब कहलाता है, ठीक है. द एडवर्ब दैट आर यूज टू आस्क क्वेश्चन आर कॉल्ड एन इंटरोगेटिव एडवर्ब. ऐसे शब्दों को हम इंटरोगेटिव एडवर्ब कहते हैं. जैसे डज ही गो, वो क्या हो जाता है, ठीक है, एक सामान्य स्टेटमेंट है. अब हमने क्या कहा कि वेयर आने कहाँ जाता है, वाई आने क्यों जाता है, हाउ आने कैसे जाता है, वेन मीन्स कब जाता है. ये कहाँ बता रहा है, प्लेस को, प्लेस के बारे में प्रश्न पूछा जा रहा है. क्यों मतलब रीजन, कारण, कैसे मतलब मैनर, और कब मतलब टाइम, ठीक है. तो किसी भी एक्शन के बारे में प्लेस जो बताएगा, रीजन बताएगा, मैनर बताएगा, टाइम बताएगा, वो क्या कहलाएगा, वो कहलाता है एडवर्ब. अब एडवर्ब अगर इनके बारे में प्रश्न पूछ रहा है, एडवर्ब अगर इनके बारे में प्रश्न पूछ रहा है, तो प्रश्न पूछने वाला कौन सा एडवर्ब कहलाएगा, इंटरोगेटिव. जैसे ही गो कहां जाता है, तो वेयर, तो ये वेयर भी क्या हो गया, इंटरोगेटिव हो गया. वेयर भी एक एडवर्ब हो गया, और कौन सा एडवर्ब होगा, इंटरोगेटिव. क्यों, क्योंकि यह प्रश्न पूछने का काम कर रहा है. वाई भी एक एडवर्ब होगा, क्यों, क्योंकि यह भी प्रश्न पूछने का काम कर रहा है, ठीक है. इसलिए इनको क्या कहेंगे, इंटरोगेटिव एडवर्ब कहेंगे. एडवर्ब जो होता है वह प्रोनाउन का भी काम कर सकता है, एडजेक्टिव का भी काम कर सकता है, और एडवर्ब का भी काम कर सकता है. सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि आखिरकार प्रोनाउन क्या है, एडजेक्टिव क्या है, एडवर्ब क्या है. इसको हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो पहला क्लास लिया था उसमें एक्सप्लेन किया है, फिर समझ लेते हैं. व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, ठीक है. मैंने बोला दिस इज पेन. पेन एक क्या है, तो सर पेन एक नाउन है. नाउन की जगह पर जो उपयोग किया जाएगा, किसी के नाम की जगह जो उपयोग किया जाएगा, उसे हम कहते हैं प्रोनाउन. उसे क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं. प्रोनाउन ऐसा वर्ड होता है जो किसी के नाम की जगह पर यूज किया जाता है. अब मैंने इसकी जगह पर बोल दिया दिस इज पेन, तो हमने बोल दिया कि दिस इज व्हाट. करेक्ट, जब इसको अरेंज किया तो दिस इज व्हाट को करेक्ट वे में जब अरेंज करते हैं तो क्या लिखा जाता है, व्हाट इज दिस. यह मैंने किसकी जगह पर यूज किया, पेन की जगह पर. तो जो नाउन की जगह पर यूज किया जाएगा वह क्या कहलाता है, तो सर वह कहलाता है प्रोनाउन. तो व्हाट क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया. क्यों प्रोनाउन इसको कहा, क्योंकि इसका उपयोग नाम की जगह पर किया गया. कहां पर इसका उपयोग किया गया, नाम की जगह पर. नेक्स्ट है व्हाट कलर डू यू लाइक, आपको कौन सा कलर पसंद है, तो रेड कलर आई लाइक. एक स्टेटमेंट है ऐसा, क्या कि रेड कलर आई लाइक, ठीक है. तो देखिए यहां पर कलर जो है एक नाउन है, एक चीज का नाम है, रंग. कौन सा रंग, रेड. तो रेड जो है इस कलर के बारे में विशेषता बता रहा है, तो यह विशेषता बताने के कारण यह हो जाता है आपका एडजेक्टिव. तो रेड क्या हो गया, एडजेक्टिव. अब मैंने रेड की जगह पर क्या यूज कर लिया, मैंने यूज कर लिया व्हाट. तो ये रेड कलर की जगह मैंने क्या कर लिया, व्हाट कलर डू यू लाइक. तो ये जो व्हाट हुआ ना, यह क्या हुआ, यह हुआ आपका एडजेक्टिव, ठीक है. क्यों, क्योंकि यह इस कलर के बारे में, इसके कलर की क्वालिटी के बारे में क्वेश्चन कर रहा है, तो जो क्वालिटी होते हैं ना वो एडजेक्टिव कहलाता है. नेक्स्ट है
डज ही डू, वह करता है, क्या करता है, तो ये जो क्या वाला है ना, ये क्या कहलाएगा, यह एडवर्ब कहलाएगा। या फिर इसको और सरल एग्जांपल तरीके से हम बोलें तो व्हेन डज ही राइट, वह लिखता है, लिखने का टाइम पूछ रहा है कौन, व्हेन, तो हमने कहा है क्या कि जो किसी एक्शन का टाइम पूछेगा ना, टाइम पूछे ये टाइम बताए तो वो क्या कहलाता है, एडवर्ब कहलाता है। जो किसी एक्शन का टाइम बताता है वो क्या कहलाता है, एडवर्ब कहलाता है। जो किसी एक्शन का मैनर बताता है, तरीका, वह भी क्या कहलाता है, वह भी एडवर्ब कहलाता है। जो किसी एक्शन की फ्रिक्वेंसी बताता है, बारंबारता, वह भी एडवर्ब कहलाता है। जो किसी एक्शन का प्लेस बताता है वह भी क्या कहलाएगा, एडवर्ब कहलाएगा। तो मित्रों जो पूछेगा वह भी तो एडवर्ब ही होगा, जो इनके बारे में पूछेगा वह भी तो इंट्रोगेटिव होगा, वह इंट्रोगेटिव कौन सा होगा, वह इंटरोगेटिव एडवर्ब होगा। वह एडवर्ब तो होगा पर कौन सा एडवर्ब होगा, इंटरोगेटिव एडवर्ब होगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट समझते हैं कि एडवर्ब ऑफ कॉज, एडवर्ब ऑफ कॉज मतलब कारण बताएगा। द एडवर्ब दैट डिनोट्स द रीजन और किसी काम के को होने का रीजन, जो कारण बताए, और कॉज ऑफ एनी एक्शन, किसी एक्शन का कॉज या कारण बताए, एंड क्वालिफाइज द होल स्टेटमेंट, या फिर पूरे स्टेटमेंट के बारे में क्वालिटी बताए, क्वालिफाइज करेगा, उसे हम क्या कहते हैं, एडवर्ब ऑफ कॉज कह लेते हैं। जैसे देयर आर ओनली टू वर्ड, हेंस एंड देयर फोर, और इसको बताने के लिए कौन से दो वर्ड हैं, हेंस और देयर फोर है, जो किसी रीजन और क्वालिफाइज करते किसी स्टेटमेंट को। हेंस देयर फोर आई सेड सो, और इसीलिए मैंने ऐसे कहा, तो यह कहने का रीजन बता रहा है कौन, हेंस या देयरफॉर, तो इसलिए ये क्या बता रहे हैं, हेंस या देयरफॉर होंगे, क्या होंगे, एडवर्ब ऑफ कॉज कहलाएंगे, एडवर्ब ऑफ कॉज या कारण कहलाएंगे। रिलेटिव एडवर्ब क्या होगा, रिलेटिव एडवर्ब दैट डज द वर्क ऑफ कंजक्शन, जो काम किसका करेगा, कंजक्शन जोड़ने का काम करेगा इन अ सेंटेंस, इज कॉल्ड रिलेटिव एडवर्ब। ठीक है, ही लिव्स समवेयर, आई डू नॉट नो द प्लेस, वो कहीं पर रहता है, मुझे नहीं पता है कि वो कहाँ रहता है। आई डू नॉट नो वेयर ही लिव्स, मुझे नहीं पता है कि वो कहाँ रहता है। ठीक है, तो वेयर, अब देखिए समझेंगे इसको, रिलेटिव एडवर्ब क्या है, आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता हूँ। ठीक है, अब आप क्या नहीं जानते हैं, कि वह रहता है और वो कहाँ रहता है ये नहीं जानता हूँ, तो ये दो स्टेटमेंट को जोड़ने का काम कर रहा है, इसलिए ये कंजक्शन है, रिलेट करने का काम कर रहा है इसलिए रिलेटिव है, और यह वेयर ही लिव्स, ही लिव्स का बारे में क्वेश्चन कर रहा है कि भाई कहाँ, तो यह प्लेस के बारे में बात हो रही है, इसलिए यह एडवर्ब कहलाएगा। तो क्या होगा, रिलेटिव एडवर्ब कहलाएगा। अब एडवर्ब से रिलेटेड देखते हैं हम कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स के बारे में, या कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में, रूल्स के बारे में डिस्कशन करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, ताकि सारे कॉन्सेप्ट्स आपको एक साथ, सारे कॉन्सेप्ट्स को आप समझ सके। ठीक है, यह था हमारा एडवर्ब का एक इंट्रोडक्टरी पार्ट, जिसमें हमने एडवर्ब का एक इंट्रोडक्शन दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास जो रहेगी उस क्लास में हम एडवर्ब से रिलेटेड सारे रूल्स के बारे में डिस्कशन करेंगे, और वे सारे रूल्स जो एग्जाम ओरिएंटेड है, जो एग्जाम में आते ही हैं। तो क्या समझे हैं, तो हमें एडवर्ब के बारे में सारे कॉन्सेप्ट्स को समझना है। एडवर्ब के बारे में आज हमने क्या पढ़ा, तो एडवर्ब के बारे में हमने सिंपल से जानकारी ली कि एडवर्ब कौन होता है, तो एडवर्ब ऐसे वर्ड को कहते हैं जो हमें क्या बताएगा, किसी एक्शन का या किसी कार्य का, ठीक है, क्या बताएगा, मैनर बताता है, काम करने का तरीका बताता है, प्लेस बताता है, जगह बताता है, किसी एक्शन का मैनर बताएगा, किसी एक्शन का प्लेस बताएगा, किसी एक्शन की फ्रीक्वेंसी बताएगा, किसी काम करने का टाइम बताएगा। ठीक है, तो ये इस तरीके के जो वर्ड कहलाएंगे वो क्या कहलाएंगे, वो कहलाएगा इंट्रोगेटिव, ये एडवर्ब कहलाएगा। एडवर्ब क्या कर सकता है, तो इन चीज़ों के बारे में प्रश्न भी कर सकता है, इसलिए उसे हम क्या कहेंगे, इंट्रोगेटिव एडवर्ब भी कह सकते हैं, तो इंट्रोगेटिव एडवर्ब भी होता है। ठीक है, दो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम भी कर सकता है, इसलिए वह कौन सा होगा, रिलेटिव एडवर्ब होगा। ठीक है, और एडवर्ब एक्चुअल में काम क्या करता है, तो किसके बारे में क्वालिटी बताता है, देखिए नाउन जो होता है ना, वो नाम के बारे में आपको जानकारी देगा, तो जो किसी नाम की क्वालिटी बताएगा,
जो नाउन की क्वालिटी बताएगा वह कहलाएगा एडजेक्टिव, जो नाउन की क्वालिटी बताएगा वह क्या कहलाएगा एडजेक्टिव कहलाएगा, और जो नाउन सॉरी जो एडजेक्टिव एडवर्ब प्रीपोजिशन कंजक्शन और स्वयं एडवर्ब की भी क्वालिटी बता दे या किसी सेंटेंस की जो क्वालिटी बता दे या उनके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे दे वह कहलाता है एडवर्ब। क्या कहलाता है? वह एडवर्ब। तो नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी को जो क्वालिफाई करेगा, जो नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करेगा वह कहलाएगा एडजेक्टिव, और जो एडजेक्टिव एडवर्ब प्रीपोजिशन कंजक्शन और स्वयं एडवर्ब या किसी भी स्टेटमेंट के बारे में हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे देगा वह कहलाएगा आपका एडवर्ब। एडवर्ब किसी स्टेटमेंट में क्या काम कर सकता है? तो एडवर्ब किसी स्टेटमेंट में उसके काम करने का तरीका बताया जा सकता है, जगह बताई जा सकती है, फ्रिक्वेंसी बताई जा सकती है, टाइम बताया जा सकता है, प्रश्न पूछा जा सकता है या रिलेशन बताया जा सकता है। तो इस तरीके के स्टेटमेंट को या इस तरीके के वर्ड को हम क्या कहते हैं? एडवर्ब कहते हैं। बात समझ में आ गई? तो ये हमने एडवर्ब के बारे में पढ़ा। अब हम नेक्स्ट जो क्लास रहेगी उसमें हम डिस्कशन करेंगे एडवर्ब से रिलेटेड रूल्स और वे सारे रूल्स जहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यह हमने आज डिस्कशन किया था एडवर्ब का एक इंट्रोडक्टरी पार्ट। कल हम इससे रिलेटेड समझेंगे सारे रूल्स और उससे रिलेटेड एमसीक्यूज के बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप एक काम जरूर कर सकते हैं, हमारा एक ऐप है मास स्टडी ऐप, ये आप डाउनलोड कर लीजिएगा। और हाँ, आपके लिए स्पेशल जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर जिनको इंग्लिश ग्रामर कहीं ना कहीं डिफिकल्ट लग रही है, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही शानदार कोर्स एक डिजाइन किया गया है जिसका नाम है ऑल इन वन इंग्लिश ग्रामर कोर्स, ठीक है। इसमें क्या विशेषता है इसकी? तो इसमें लगभग सारी एग्जाम्स को हमने कवर करने की कोशिश की है। टॉपिक वाइज लाइव टेस्ट मिलेंगे आपको, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन इसमें शामिल करने की कोशिश की है, प्रैक्टिस शीट मिलेगी, बेसिक टू एडवांस लेवल की ग्रामर मिलेगी, ठीक है। और तो और अगर आप अपने स्पोकन इंग्लिश को बेस्ट करना चाहते हैं तो आपके लिए एक डिजाइन किया गया बेस्ट स्पोकन इंग्लिश कोर्स जिसमें जीरो से हीरो लेवल शून्य से शिखर की यात्रा तय कराई जाएगी, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि नहीं सर हमारा बेसिक तो हमने थोड़ा ठीक ठाक पढ़ा है, तो आपके लिए फिर एक कोर्स और है एडवांस इंग्लिश ग्रामर, ठीक है, जिसमें कन्वर्सेशंस रेगुलर रहेंगे, डिबेट रहेगा, इंटरव्यू प्रिपरेशंस रहेगी और बहुत कुछ आपको देखने समझने को मिलेगा। बच्चों की मानसिकता और साइकोलॉजी को ध्यान में रखकर के बच्चों के लिए अलग से कोर्स डिज़ाइन किया गया है, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि बोलते बोलते कहीं ना कहीं अटक जाते हैं, वोकैब के कारण हम पिछड़ रहे हैं, तो आपके लिए प्राइम वोकैबुलरी बूस्टर कोर्स भी लेकर के आए हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, अगर आपको लग रहा है कि हमें कोई वन टू वन कन्वर्सेशन करे, हमको कोई पर्सनल लेवल पर पढ़ाने वाला मिल जाए, पर्सनल ऐसा कोई मिल जाए जिससे हम इंग्लिश में कम्युनिकेट कर सके।